हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस एंड इन द नेक्स्ट फेज इज मेटासिस या मेटाफेज। माइटोसिस की जो सेकेंड फेज है इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटा मीन्स मिडल, इट इज द मिडल फेज ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस प्रोसेस की जो मिडल फेज है उसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज। क्या कुछ प्रोसेस होता है, एज वी हैव लर्न इन प्रोफेज कि ऑल द क्रोमोसोम्स कैंड्रोकोर अटैच विद द सेंट्रोमियर फ्रॉम द ट्यूबुलिन फाइबर्स या स्पाइनल फाइबर्स। इन मेटाफेज के अंदर प्रोसेस कुछ इसी वे से, दिस इज द सेल which contain two centrioles, these are perpendicular to each other and centriole contains two types of fibers, smaller fibers and larger fibers, these fibers are also known as spindle fibers। ये small जो fibers उनको क्या बोलेंगे, एस्टर रेज। और लार्ज फाइबर जो होते हैं स्पाइंडल शेप में, स्पाइनल फाइबर है लार्ज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल मतलब सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में अटैच हो जाते हैं स्पाइनल फाइबर से आकर के। स्पाइनल फाइबर से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर, सिस्टर सेल के साथ मिलकर के ये सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं। कुछ इस वे से सम फाइबर रिमेन्स फ्री, जो फ्री होते हैं एज वी हैव सीन दैट द स्पाइनल फाइबर्स विच आर नॉट अटैच्ड विद क्रोमोसोम्स आर नोन एज कंटिन्यूअस फाइबर्स और दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरपोलर, क्योंकि एक पोल को दूसरे पोल से बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये जोड़ने काम करते हैं, जिसको और किसके नाम से जानते हैं, इंटरपोलर फाइबर्स। दीज आर द स्पाइंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड द सेकेंड फाइबर्स विच अटैच टू द क्रोमोसोम्स, दीज आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज क्रोमोसोमल फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो अटैच विद द क्रोमोसोम्स। क्लियर, दीज आर द सेंट्रियोल्स। यहां क्रोमोसोम होते हैं सिस्टर सेल के साथ अटैच होते हैं कुछ इस वे से, जैसे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सेंट्रोमियर, दिस द सिस्टर सेल ऑफ द क्रोमोसोम्स, दीज अटैच टू द इक्वेटोरियल, कहां के जुड़ गई है, इक्वेटोरियल के ऊपर टोरियल प्लेट मतलब सेंटर में आ जाते हैं, इसलिए इसको मेटाफेज बोलते हैं, मिडल में के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो इस व्हाट आर द फीचर्स ऑकर्ड इन मेटाफेज स्टेज, इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की ये एम फेज की सेकंड फेज है जिसको आप मेटाफेज कहते हैं, मेटा मींस मिडल, तो मिडल फेज है। इसके अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो इसके प्रोसेस जो होंगे इसमें क्या कुछ होंगे, फर्स्ट वन द क्रोमोसोम्स अटैच टू द फाइबर्स, कौन से फाइबर, स्पाइंडल फाइबर्स, थ्रू द काइनेटोकोर। इनका जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर कहां से, कुछ इस वे से,
आके अटैच हो जाता है। दिस इज द स्पाइनल फाइबर्स स्ट्रक्चर। कुछ इस वजह से सिस्टर सेल के साथ क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पाइनल फाइबर्स यानी इससे आके काइनेटोकोर। ये दिस इज द काइनेटोकोर। इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा काइनेटोकोर कहलाता है। दिस इज डिस्क लाइक प्लेट। ये सेंट्रोमियर एंड दिस वन इज काइनेटोकोर। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑकर्ड इन मेटाफेज स्टेज। अगेन मेटाफेज स्टेज इट इज द सेकेंड और मिडल फेज ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंस क्या है। द क्रोमोसोम अटैच टू द स्पाइंडल थ्रू द फाइबर्स किसके द्वारा काइनेटोकोर के द्वारा अटैच हो जाता है। सेकेंड द क्रोमोसोम्स अलाइन या क्या कह सकते हैं अटैच विद द फाइबर अटैच तो होते हैं इससे लेकिन कहां पहुंच जाते हैं इक्विटोरियल मतलब सेंटर में एंड रीच टू द इक्विटोरियल प्लेट। ये इक्विटोरियल प्लेट पे क्यों पहुंच गए क्योंकि स्पाइंडल फाइबर क्या करता है कंट्रैक्ट होते हैं ये सिकुड़ते हैं सिकुड़ने के कारण से ये क्रोमोसोम को कहां ले आते हैं सेंटर के अंदर। तो दिस इज द सेकेंड फेज विच ऑकर्ड इन मेटाफेज। क्लियर। एंड द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। एना मीन्स अप एंड फेज मीन्स स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम अप साइड में मतलब ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। एना मीन्स अप एंड स्टेज मीन्स स्टेट। इसमें क्रोमोसोम होंगे अपर साइड में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में क्योंकि सेंट्रोमियर भी बाद में ब्रेक डाउन हो गए। सिस्टर सेल जो थी ये तो ब्रेक डाउन हो चुकी थी। इस प्रोसेस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स के कारण से सेंट्रोमियर भी बीच से ब्रेक डाउन होता है। सेंट्रोमियर बीच से ब्रेक डाउन होता है तो स्पाइंडल फाइबर ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं जिसके कारण से स्पाइंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस स्टेज में जैसे ही पहुंचते हैं दिस इज द एनाफेज स्टेज। अगेन सेंट्रोमियर सेंट्रियोल्स और सेंट्रियोल में टू फाइबर्स स्मॉलर फाइबर्स नोन एज एस्टरेज। यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स एस्टरेज सेंट्रियोल्स और सेंट्रियो एनाफेज में भी दो स्टेज होती है। दो फेज स्टेज कैसी जिस प्रकार से प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज था और लेटर प्रोफेज था सेम इसी प्रकार से भी इसमें भी अर्ली प्रोफेज अर्ली एनाफेज होता है और लेटर एनाफेज होता है। स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं। जो स्पाइंडल फाइबर नेक्स्ट जो हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं। स्मॉलर क्यों हो गए कुछ इस वजह से जो सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम्स का ये सेंट्रोमियर भी डिटैच हो जाता है मतलब सेपरेटेड स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के कारण से क्रोमोसोम हाफ तो इधर से रह गया इसका हाफ क्रोमोसोम इसका यहां अटैच रह गया और हाफ क्रोमोसोम इसका इधर से अटैच हो गया। सेपरेटेड करने हमने इसके ये सेंट्रोमियर। तो इस प्रोसेस के अंदर अर्ली में क्या होता है कि अर्ली में थोड़े से क्लोजर होते हैं जैसे ये टूटा है तो थोड़े से क्लोजर होते हैं। लेटर के अंदर क्या होगा एक दूसरे से सेपरेट चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये कौन से है
इंटर पोलर स्पाइंडल फाइबर्स, क्लियर। दीज आर द क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्लियर। ये सिस्टर क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम स्पिल्ट आउट सेंट्रोमियर से स्पिल्ट आउट हो, जिसके कारण से ये ऑपोजिट चले जाते हैं। अब क्रोमोसोम जहां से टूटे हैं ये भी एक स्पेशल एडिशनल जोन के द्वारा अटैच एडिशनल फाइबर के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ये एडिशनल फाइबर को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनल जोन। दीज आर नोन एज इंटरनल जोन या इंटरजोनल फाइबर भी कह सकते हैं, इंटरनल या इंटर जोनल फाइबर्स। दीज आर अटैच इन दिस एनाफेज स्टेज। तो व्हाट वुड हैपन इन एनाफेज स्टेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनाफेज स्टेज? फर्स्टली फीचर्स इसके क्या होंगे? पहली प्रोसेस में क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्पिल्ट थ्रू द सेंटर, क्योंकि दो सिस्टर सेल थी, बाद में इसमें सेंट्रोमियर भी बीच से टूट गया, टूटने के कारण से दोनों एक दूसरे से क्रोमोसोम्स डिटैच हो गए। सेंट्रोमियर स्प्लिट थ्रू द सेंटर, सेंटर से सेंट्रोमियर डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, पहली प्रोसेस ये है। दूसरी, इसमें जो फोर्स होता है वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? बीच वाला कौन सा था? ये बीच वाले थे क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये क्रोमोसोम फाइबर क्या कॉन्ट्रैक्ट सुकुड़ते हैं, ये सुकुड़ेंगे तो ये क्या होगा? स्ट्रेच होगा, ये बढ़ेगा। इंटरनल जोनल फाइबर है जो अटैच हुए इसके बीच में क्रोमोसोम को दूसरे जोड़ने के लिए, यदि ये छोटे होंगे तो बीच वाला बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल या फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फाइबर्स, मूवमेंट ऑफ फाइबर्स और यू कैन से दैट क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम जाएंगे फ्रॉम सेंटर टू पोल, सेंटर से पोल की तरफ जो क्रोमोसोम जाएंगे या फाइबर डिटैच होगा वो स्ट्रेच होगा या सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो किसके कारण से? फोर्सेस के कारण से। इस फोर्सेस में क्या हुआ, जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सुकुड़ गए, और इंटरनल जोनल जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्रोमोसोमल जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं, एंड इंटरजोनल फाइबर्स स्ट्रेचेज। और इंटरजोनल जो फाइबर है यानी एक क्रोमोसोम को दूसरे से जोड़ने वाला जो इंटरजोनल फाइबर है ये फैलते हैं। एंड लास्ट वन इज एटीपी आल्सो रिक्वायर्ड। एक क्रोमोसोम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 30 एटीपी। अभी तो हमने कितने लिए हैं? 4 क्रोमोसोम लिए थे, 4 में 4 ऊपर चले गए 4 नीचे, जिसमें से 4 मतलब 4 × 30 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल जो चाहिए इनको, और 30 × 4 चाहिए लोअर वाले को, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिफ्थ पोजीशन क्या होगी? एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है कितनी? एक क्रोमोसोम के लिए 30 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल को, तो 30 × 4 इधर यानी 120 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए इस सेंट्रियोल को, और 120 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए इस सेंट्रियोल को। तो दिस इज द थर्ड फेज, और थर्ड फेज में आकर के एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक,
एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। इसी प्रोसेस में आकर के एनाफेज में ही आकर के उसकी वी शेप, एल शेप, एच शेप और आई शेप जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम बनते हैं इसी फेज में आके बनते हैं। किस वे से? यहां यदि क्रोमोसोम्स कुछ इस वे से कंसिस्ट है, सेंट्रोमियर अटैच टू द फाइबर, दिस इज द फाइबर, इस प्रकार से है, तो यहां पर क्रोमोसोम के दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। सेंट्रोमियर से दोनों साइड यदि इक्वल हैं, इस प्रकार का क्रोमोसोम क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स किस वे का होता है? वी शेप। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर फोर टाइप्स, वी कैन सी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स इन एनाफेज स्टेज। चाहे आपका वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप जो क्रोमोसोम बनते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, वो सारे के सारे कौन सी फेज में बनते हैं? एनाफेज के अंदर बनते हैं। इफ वन साइड इज लार्जर, स्लाइटली लार्जर एंड अदर इज स्लाइटली शॉर्टर, इज द सेंट्रोमियर अटैच टू द फाइबर, दिस इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटा सेंट्रिक। और इसमें शेप कैसी होगी? एल शेप। We have already studied that there are four types of chromosomes on the basis of centromere. And the third one is one side is too large and one is too small. This is the centromere attached to the fibers. One is too large, one is too small. एक बहुत बड़ी, एक बहुत छोटी, इसमें slightly large, slightly short थी। तो इसमें centromere जो है center में तो है, लेकिन center की बजाय कहाँ चला गया? थोड़ा दूर। क्यों? एक side तो बहुत दूर चलेगी, बहुत बड़ी होगी, दूसरी साइड बहुत छोटी। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रोमियर का, इस प्रकार क्रोमोसोम का क्या बनेंगे? एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक के अंदर कैसी बन जाती है? जे शेप। सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर जो होगा क्रोमोसोम किस शेप का बना देगा? जे शेप का। और थर्ड वन जो होती है इसमें साइड एक ही होती है सेंट्रोमियर, दूसरी तो नेग्लिजिबल है, इज द फाइबर अटैच। तो इस प्रकार का क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल ऊपरी सिरे पे प्रेजेंट है, सिर्फ एक साइड ही है, इस प्रकार के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और इसमें कैसी बन जाती है? आई शेप। वी कैन सी द सेंट्रोमियर इन द एनाफेज स्टेज। वी कैन ऑल्सो अगेन सेइंग दैट क्रोमोसोम्स आर ऑफ फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। दीज आर द प्रोसेसेस ऑकर्ड इन एनाफेज। क्लियर?